अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? तो वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। तो आपकी मेज़बान निम्मी हो चुकी है तैयार आप लोगों को एक व्लॉग देने के लिए। देख रहे होंगे मैं कितनी तैयार हुई हूँ। तो मैं तैयार हुई क्योंकि हम लोग जा रहे हैं राशन लेने, ग्रॉसरी शॉपिंग करने, और वो भी अपनी अम्मी के साथ। अपनी मामा के साथ शॉपिंग पे जाना मतलब अपने सर पे ना पहाड़ तोड़ने वाला काम है, क्योंकि मैं मामा को कहूँगी ये खरीदना, मामा कहेंगे ये तो बहुत महंगा, ये नहीं खरीदना। तो खैर हम लोग ट्राई करेंगे कि वो चीज़ें ना ही लें जिससे अम्मी को परेशानी ना हो। हम लोगों ने सोचा कि आज मैं फारिग हूँ और मौसम भी बहुत मतलब थोड़ा सा हसीन हुआ है, लाइक हवा चल रही है, तो फिर मैंने सोचा कि व्लॉग बना ही लेती हूँ, इतना तैयार ही हूँ, तस्वीरें भी खींच लूँगी। तो हम लोग जा रहे हैं फोटो स्टेडियम ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। मैं अपने घर के लिए क्या क्या शॉपिंग करती हूँ, क्या क्या ग्रॉसरी करती हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है? और हम कितने की ग्रॉसरी इस्तेमाल करते हैं, हम लोग घर पे चार लोग रहते हैं। हाँ, हम लोग घर पे चार लोग रहते हैं, तो हम लोग का जो राशन है वो कितना लगता है महीने का, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैंने करवाई है ऊबर, क्योंकि तैयब तो है नहीं, वरना हम तैयब के साथ नॉर्मली जाते हैं, लेकिन तैयब काम पर है, तो मैं मामा जाएंगे ऑटो रिक्शे पे। तो ऑटो रिक्शा आ गया है, अम्मी भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ, तो हम लोग चलते हैं। ये औरत पहले बैठ गई है। चल आ चुके हैं। फोटोज में ऑटो रिक्शा अंदर नहीं जा सकते, शायद 50 रुपये पूरे लगेंगे अंदर जाने के, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग यहीं उतर जाएंगे। वुहू, शुक्रिया अंकल। मैं सुबह उठी थी ना, तो मौसम जो था ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, इतनी शदीद किस्म की धूप थी। तो जब हम लोग मैं तैयार हो गई, मैं व्लॉग बनाने के लिए बाहर निकली, तो हवाएं चल रही थी और अब मौसम बहुत अच्छा हो गया। मुझे लगता है हमारा और फोटोज़ का ना एक अलग ही नाता है, एक अलग ही रिश्ता है। जब मैं और अम्मी आने की सोचते हैं ना यहाँ पे, तो इतनी तेज़ बारिश होने लग जाती है। खैर अम्मी हाँ, तो पहले हम लोग जो है वो करेंगे ग्रॉसरी शॉपिंग। पहले हमारा राशन कितना लगता था अम्मी जी, जब सैलरी होती थी 10,000 15,000 का लगता बहुत आपको लगता था, अब महंगाई हो गया 20-25 का लगता है। फंदा, जब सैरी से तब कितने का लगता था? 15-20 का। हाँ, जब मेरी बड़ी बहन थी ना मोमो, हम उसको प्यार से कहते हैं, वो ऐसे ऐसे करके चलती है तो हम उसको मोमो कहते हैं। खैर वो जब होती थी ना घर पे, तब लगता था 20,000 का राशन, तब महंगाई भी इतनी नहीं होती थी, तो 20,000 का राशन जो था वो बर्दाश्त हो जाता था। अब इतनी महंगाई है, और लेकिन जब सैरिश अपने घर चली गई, हमने उसकी शादी कर दी, तो राशन 20,000 से सीधा 10,000 पे आ गया। इतना खाती थी नहीं थी चीज़ें वैसे, मतलब उसको ये भी ले लो, और उसको कुकिंग का बहुत शौक था, तो वो चीज़ चॉकलेट्स पता नहीं क्या क्या लेती रहती थी ना। हाँ, इस तरह की चीज़ें बनाने के ना सामान, हाँ वो इस तरह का सामान लेती थी। हमारे घर में कुकिंग का किसी को शौक नहीं है, अम्मी तो कुछ बना कर नहीं देती, तो इसलिए ना 20,000 से सीधा राशन जो था ना वो 10,000 पे आ गया। लेकिन अब इतनी महंगाई है, तो हम बहुत टाइम बाद आए, मैं अम्मी के साथ बहुत टाइम बाद आई हूँ राशन लेने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि राशन कितने का आएगा और कितनी महंगाई हो गई है। मैं फिर से एक बार महंगाई का रोना रहूँगी, क्योंकि फिर मैं एक बार शॉपिंग करने आ गई। खैर जब हम लोग शॉपिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं और मामा कुछ खाएंगे। मामा खिलाएंगी, निर्मला खिलाएंगी। इन तरह को कंजूस हो रहा था। चले मैं खिला दूंगी, दो बंदे आए हैं। वैसे भी मैं और अम्मी बहुत देर बाद कुछ खाने जाएंगे। हम लोग पहले अक्सर ही बहुत ज़्यादा जाते थे खाने के लिए, जैसे मैं काम से फ्री होती थी हम खाने जाते थे, लेकिन काफ़ी टाइम से नहीं गए, तो आज हम लोग ग्रॉसरी शॉपिंग के बाद कुछ खाएंगे, ठीक है ना अम्मी जी? जी खाएंगे। चलो शॉपिंग करते हैं। सीधा सीधा जाए थे, मुझे मेरे फैंस मिले, और फैंस ने कहा कि मैं आपका व्लॉग देखती हूँ। पहली बार मुझे कोई ऐसा मिला जिसने कहा कि मैं आपके व्लॉग देखती हूँ। मैं कैसा बोलती हूँ? बहुत मजेदार, मस्त 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 बोलती हूँ। क्यूट यार, किसी ने क्यूट भी कहा था। आप क्यूट भी बहुत है, जैसी आप दिखती है वैसी ही है। हां, वाकई बहुत क्यूट हो, जैसी लिखती है तो वाकई पिक्चर ले लो उसमें। हां हां, पिक्चर लो, पिक्चर लो, देखा मैं कितनी क्यूट हूं, माशाल्लाह। करते हैं और बहुत ज्यादा वीडियोस देखते हैं आप। नहीं ये
हम लोग वहाँ से यहाँ तक चल कर आए हैं। मैंने और मामा ने हरम के लिए थोड़े से कपड़े खरीदे ये किड्स शॉप से, और इतनी अच्छी आंधी आ रही है, मतलब इतनी ठंडी हवा कि दुकान से हम बाहर निकले तो ऐसे लग रहा था एसी लगा हुआ है, जन्नत है। और मुझे डर लग रहा है कि मैं उड़ना चाहूँ तो हम लोग फटैक से, क्योंकि उड़ती नहीं है मैं, लेकिन मेरा मुझे डर लग रहा है कि जितनी तेज हवाएगी मैं उड़ जाऊँगी कुछ पता भी नहीं चलेगा। मेरे तो दोस्त मुझे कहते हैं कि निम्रा अपने साथ ना 4-5 ईंटे बांध के चला करो, कुछ पता नहीं होता तेज हवा आए आंधी आए निम्रा उड़ जाए। खैर हम लोग जल्दी से जाएंगे वो केयरफॉर, ताकि हम लोग जो है वो ग्रोसरी शॉपिंग कर सकें जिसके लिए हम आए हैं। वो तो वैसे ही मुझे और अम्मी को बच्चों वाली एक शॉप नज़र आ गई, तो मैंने और मामा ने हरम के लिए कुछ 4-5 सूट ले लिए, तो अब हम सामने जा रहे हैं। काले बादल आएंगे आते भी के। जैसे एंटर हो ना केयरफॉर में, फर्स्ट जो सेक्शन आता है वो है शैम्पूज का। हम लोग पहले शैम्पू लेंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे जाते रहेंगे जो जो रो हमें नज़र आती रहेगी हम लोग वो चीज़ खरीदते रहेंगे, क्योंकि हम लोग यूज़ करते हैं, मैं अलग शैम्पू यूज़ करती हूँ, मैं अभी अलग अम्मी अलग, तो अम्मी अब शैम्पू देखती हूँ। मेरे पास ऑलरेडी बैग में रखने के लिए एक ब्रश था, लेकिन मुझे ये वाला थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, मैं सोच रही हूँ कि ये भी ले लूँ। कौन सा वाला अच्छा है? मुझे तो ये अच्छा लग रहा है पिंक पर ले लूं तैयब के लिए। क्योंकि दांत तो अच्छे हैं। जो मुझे ग्रोसरी में लगता है वो है नूडल्स। मैं तो अपनी अम्मी के साथ सिर्फ इस वजह से आती हूँ कि मैं नूडल्स ढेरों ढेर इकट्ठे करके उस टोकरी में डालूँ और हम उसको खा सकें, लेकिन मेरी मामा सारी वो चीज़ें ले रही हैं जो मेरे किसी काम की नहीं है। सर्फ, शैम्पू, साबुन, बर्तन धोने वाला साबुन, वॉशरूम साफ करने वाला ब्रश, लोटा, ऐसी चीज़ें ले रही हैं, कुछ खाने के लिए ले ही नहीं रही। सारे साबुन ना मेरी अम्मी ने आज धो दी। एक दफा ले लूं, एक दफा ले लेना, क्यामत तक मेरे साबुन नहीं, क्यामत की बात नहीं है, फिर बार बार लाना नहीं पड़ता। अच्छा। एक दफा ले आओ बस। अच्छा तो नूडल्स के लिए हूँ, लेकिन मेरी अम्मी मुझे कहती हैं कि तू रेडी कहती है मेरी मामा इसको वैसे कहते क्या है, बास्केट आई थिंक, ट्रॉली। मेरी मामा कहती है तू ट्रॉली लेके मेरे पीछे पीछे चल और मैं सामान ढूंढती हूँ। सारा मेरी अम्मी ना मुझे लगता है बर्तन धोने का सारा सामान आज लेकर ही जाएंगी। नहीं नहीं सारा नहीं होंगे, कुछ और भी जाना है। डेटॉल है, पहले हम शू पॉलिश इतनी खरीदा करते थे जब हम स्कूल जाते थे, अब स्कूल नहीं जाते तो खरीदते भी नहीं है। ये जो पोर्शन है इसमें सारी वो वाली अद्वियात है जिसे कीड़े मारे जाते हैं। मैं सोच रही हूँ एक आध स्प्रे ले लूँ तैयब को मारने के लिए, हमारे घर का तो कीड़ा भैया जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये देखें तैयब बना हुआ है, बिल्कुल तैयब जैसा है ना। तैयब तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम इतने मशहूर हो गए कि तुम मोर्टीन की स्प्रे की बोतल के पर आ रहे हो। ओह माय गॉड, कितना वायरल भाई है मेरा। और फाइनली हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर आकर ना मेरे दिल की धड़कन रुक जाती है। मैं कहती हूँ बस ये सारी टोकरी उठा कर ले जाओ, जब खाने को कुछ नहीं ना आता तो मैं नूडल्स बना के खा लेती हूँ। और अम्मी काफ़ी टाइम से नूडल्स नहीं लेकर आए, क्योंकि प्रमोशन पर लगे हुए हैं 290 रुपये, लेकिन 255 में हमें मिल रहे हैं, तो हम ढेर सारे बस अम्मी अभी ये वाले इतने लिए हैं। इधर दूसरा वाला फ्लेवर ही नहीं पड़ा हुआ, एक नया फ्लेवर आया है वो स्पाइसी वाला है, हम वो भी ढूंढ के इसमें रखेंगे। ये मुझे मिल गया, ये घुमा हुआ था ना कहीं, मुझे मिल ही नहीं रहा था, अब मुझे ये मिल गया। एक महीना मैंने इसका सामान लिया, मैं करती हूँ और बहुत अच्छा है, फ्री में प्रमोशन करी जा, कोई अच्छा नहीं है ये। ये वाला पोर्शन भी अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे टिश्यूज़ हैं, और टिश्यूज़ मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि मेरे ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा जो है वो टिश्यू है। मैं कहीं भी जाती हूँ ना, किसी भी बड़े रेस्टोरेंट में या किसी भी रेस्टोरेंट में,
जहाँ मुझे वाइट टिश्यू नजर आते हैं मैं ऐसे चोरी करती हूँ जैसे मैं बहुत बड़ी चोर हूँ और धूम फाइव जो है ना धूम फाइव वो मेरे पर ही बनेगी क्योंकि मैं इतनी अच्छी चोर हूँ। तो हम लेते हैं टिश्यू अगर आज मतलब चोरी नहीं करते। मेरी अम्मी ने मुझे कल मैंने अपनी अम्मी को बताया कि मैं टिश्यू चोरी करके लाई हूँ तो मेरी अम्मी ने कहा कि टिश्यू चोरी नहीं तूने करना आइंदा हम खरीदेंगे तो आज खरीदते हैं। ढूंढ रही थी मुझे वो मिल नहीं पा रहे हैं पता नहीं क्यों मेरे ख्याल से अभी इधर आए नहीं हैं। यहाँ पे ढेर सारी मैक्रोनी है लेकिन जब मैं मामा के साथ पहले आई थी हम लोगों ने बहुत सारी मैक्रोनी और हर तरह के पास्ता लिए थे तो मामा कह रहे हैं कि इस बार पास्ता ना लो पहले वाले खत्म कर लो बाद में नहीं लेना पास्ता नहीं ले रहे और कैचअप भी आ गए। कौन लोग जो कैचअप खाते हैं आई डोंट लाइक कैचअप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और कौन खाता है कैचअप यार मैं तो सिर्फ फ्राइज के साथ खाती हूँ अदरवाइज किसी चीज़ के साथ नहीं खाती। नहीं रहने में टैंग लेने टैंग इतना ज़्यादा माइलो पीती हूँ कि हम लोग पहले ये पैकेट वाला लेकर गए थे तो सैरिश मुझे घर पर बना कर देती थी लेकिन ना वो मज़ा ही नहीं आता था जो डिब्बे वाला आता था। तो मैं जब यूनिवर्सिटी जाती हूँ कहीं भी जाती हूँ तो मैं वो बॉक्स पी लेती हूँ ऐसे नहीं मतलब अब मैंने टैंक पीना शुरू किया है क्योंकि गर्मी है तो ठंडा ठंडा होता है तो वो अच्छा लगता है। ऑरेंज टैंक आई लव पाइनएप्पल्स मुझे इतने पसंद है ये वाले पाइनएप्पल्स मुझे पसंद है क्योंकि वो जो फ्रूट वाले पाइनएप्पल है उनको इतनी मुश्किलों से काट कर खाना पड़ता है तो वो कभी मैंने खाया एक बार खाया था खुश्क सा होता मज़ा नहीं आता तो मैं ना ये ट्रॉपिकल का बॉक्स अक्सर ले जाती हूँ घर पर तो ये मुझे अच्छा लगता है तो हम लोग ये भी लेंगे दो ले लेते हैं। ये तो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है मुझे ये इतनी पसंद है लेकिन छोटा वाला लेते हैं क्योंकि मेरे पास अभी दूसरी वाली चॉकलेट्स भी पड़ी हुई हैं डेरी मिल्क्स। और भाई साहब आ जा एक ये लेते हैं और एक ये पीनट बटर लेते हैं कौन सा वाला लूँ विच वन दिस वन। ये मेरी फेवरेट मोस्ट फेवरेट जगह है बिकॉज आई लव चॉकलेट्स और डेरी मिल्क तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा ही पसंद है लेकिन मेरे पास घर में इतनी सारी पड़ी हुई है मेरा नहीं ख्याल कि मुझे लेनी चाहिए क्योंकि मैंने ली हैं छोटी छोटी सी कभी कभी ज़्यादा खाने का दिल नहीं करता तो मैं ये खा लूँगी एक दो पैकेट ले लेती हूँ। हमारे घर में सभी पीते हैं तो हम बड़ा वाला जार लेकर आते हैं ये पड़ा हुआ है हम वही बड़ा लेंगे। यहाँ पर आते हैं स्नैक्स अम्मी आपकी होगी सारी शॉपिंग सारा कुछ ले लिया आटा घी नमक चावल लिए दालें मतलब अम्मी ने अपना सारा कुछ ले लिया लेकिन मेरी अभी शॉपिंग पूरी नहीं हुई तो मुझे आखिरकार वो जगह मिल गई जहाँ से मैं शॉपिंग कर सकूँ स्नैक्स। अम्मी ने मुझे आज आखिरी बार लेकर आना है अम्मी ने आइंदा मुझे नहीं लेकर आना ग्रॉसरी शॉपिंग में तो हम अब हर चीज़ एक एक खरीदेंगे ठीक है। सैरिश भी आने वाली है कल सैरिश आ जाएगी तो फिर उसको हर रोज़ हर दिन कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है तो मैं उसके लिए और अपने लिए भी ढेर सारे स्नैक्स लूँगी। अम्मी जी कराओ ना कुरकुरे दो ले लेते हैं आओ ना लाइट ही गई अम्मी थोड़ा जल्दी हाथ चला पैर चला लें। और हम लेंगे चीटोस मुझे ये चीटोस इतने पसंद हैं ये वाले चीटोस मुझे बहुत पसंद हैं तो ये हम ले लेते हैं दो बल्कि तीन बस अम्मी एक मिनट कुछ भी नहीं लेंगे क्योंकि नगेट्स भी पड़े हुए हैं सॉसेजेस भी पड़ी हुई हैं पराठे भी पड़े हुए हैं चपली कबाब भी मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ पड़ा हुआ है और आगे ईद आ जाएगी कुछ भी खाया नहीं जाएगा। तो अम्मी कह रही है कि फ्रोजन आइटम्स में कुछ भी ना लो निमरा तो वो हम नहीं ले रहे मेरा मसला नहीं है मैंने तो अपना सामान ले लिया। आई रियली लाइक कीवी क्योंकि ये खट्टी खट्टी होती है मीठी मीठी होती है तो मुझे बहुत पसंद है तो मैं क्योंकि मुझे बाकी फ्रूट्स नहीं पसंद आई हेट मैंगो तो जब सारे मैंगो ले रहे होते हैं तो मैं अपने लिए एक स्पेसिफिक फ्रूट लेती हूँ तो मैंने ये लिया कीवी। आई लाइक मार्शमेलो ऑल्सो मुझे बहुत पसंद है। इतना सामान ले लिया अम्मी कह रही इतना सामान लेके कैसे जाएंगे कहीं कुछ खाने तो यहीं से कुछ खा रहे थे लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा तो मैं कह रही हूँ कि यहाँ से नहीं खाना मेरा इरादा था कि हम लोग यहाँ से शॉपिंग करके मैकडॉनल्ड्स या फिर KFC खाएंगे तो अम्मी कह रही बाहर बारिश भी हो रही है तो कैसे अम्मी चल रहा तो बाहर बारिश हो रही है तो फिर कैसे खाएंगे
लेकिन मैं तो बाहर से खाऊंगी, मेरा इधर से खाने का कोई इरादा नहीं। ग्रोसरी जो है हम लोगों ने कर ली है, सारी ग्रोसरी कर ली है और बिल बना है। कितना बिल बना है दिखाएंगे आप? 26,000। यहाँ से शुरू होता है 26,000 की शॉपिंग किया है मैंने, अपने बैंक से पैसे कटवाए। इस चीज़ का दुख मुझे हमेशा रहेगा। हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना मैजिक ऑन खा लिया जाए, तो हम लोगों ने मैजिक ऑन बनवाया। थोड़ा ज़्यादा बटर डालना था, ठीक है। जो मैजिक कॉर्न है ना, स्वीट कॉर्न, वो मेरी जो है ना गिज़ा है। मतलब जब मुझे मेरा दिल ना करा हो किसी चीज़ को, तो मैं मैजिक कॉर्न खाऊँगा तो मेरा दिल अच्छा हो जाता है। अभी बारिश हो रही है, हम लोगों ने खाना खाने जाना था। मैजिक कॉर्न खाने के बाद हम सीधा खाना खाने जाएंगे। बहुत ज़्यादा मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन जब भी हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग करने आते हैं ना, बारिश तो लाजमी है। और खैर अल्लाह ताला भी चाहते हैं कि निमरा गर्मी में ना खपे, निमरा की हुसन पे कोई पसीना ना आए, तो इसलिए अल्लाह ताला भी अच्छा मौसम बना देते हैं। खैर मैंने और अम्मी ने सोचा था कि हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग करने के बाद कुछ खाएँगे, लेकिन हम लोगों ने वो मैजिक ऑन खा लिया। और अम्मी मुझे कह रही हैं कि अब सीधा घर चलते हैं, इतना सौदा उठा के कहाँ घूमेंगे और फिर घर कैसे जाएँगे। तो अम्मी कह रही है कि मैं तुझे घर जाके कुछ बना दूँगी खाने के लिए, तो तू ऊबर करवा और घर चल। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं बाइक चेक करने आई थी कि बारिश हो रही है कि नहीं, और ये चेक करने आई थी कि यहाँ से वहाँ पर मैकडॉनल्ड है, वहाँ तक कैसे जाना है? पैदल तो जा नहीं सकते, कोई ऑटो रिक्शा भी नज़र नहीं आ रहा। तो मेरा ख्याल है कि हम लोगों को घर चले जाना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं, घर ही चले जाना चाहिए? हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग टाइम से घर चले जाएंगे, लेकिन हम लोग टाइम से कैसे घर जा सकते हैं क्योंकि ऊबर ही नहीं आ रही। पहले बारिश हो रही थी, अब ऊबर नहीं आ रही, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ खा लेते हैं। पहले बारिश हो रही थी, हम लोग बारिश के रुकने का इंतज़ार किया, मैंने ऊबर करवाने की कोशिश की, ऑटो रिक्शा ढूंढने की कोशिश की, कुछ भी नहीं मिला। तो हम लोग काफ़ी देर से ट्राई कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि सामने जेदी था और वो बहुत करीब था, तो मैंने सोचा कि वहाँ जाके बैठ लेते हैं, कुछ खा लेते हैं और फिर ऑटो या फिर राइड करवाने की कोशिश करेंगे। अगर मिल जाएगी तो घर चले जाएंगे। फिलहाल हम ऑर्डर करेंगे, खाएंगे, तब तक मैं कंटिन्यूसली ट्राई करती रहूँगी राइड का, और जैसे ही राइड आएगी हम फरार हो जाएंगे घर को। तो हम लोगों का खाना जो है वो आ चुका है। मैंने अपने लिए शवारमा ऑर्डर किया था, अपने लिए मैंने चाउमीन ऑर्डर किया था, अम्मी के लिए मैंने शवारमा ऑर्डर किया था, लेकिन हम लोग शेयर करेंगे और फिर घर चले जाएंगे। मेरे गले में पता नहीं क्या घुस गया है, तो खाने का इंतज़ार नहीं कर रहे थे, तो शुरू करते हैं। तो हम लोगों की गाड़ी आ गई थी, मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ। आज मुझे ना पहली बार ऐसा फील हो रहा है कि मुझे गाड़ी ले लेनी चाहिए थी। अगर मेरे पास गाड़ी होती, वो पार्किंग में लगी होती, तो मैं इस वक्त अपने घर पर बैठी होती, ना कि खज्जल खवार हो रही होती ऊबर रिक्शे के लिए। तो मुझे बड़ा फील हुआ, लेकिन हम लोगों ने खाना खाया तब तक गाड़ी आ गई और अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। अंकल की लाइट ऑन होती है भला? वही मैं कह रही हूँ, वहाँ तो बिल्कुल तैयारी नहीं आ रही। खैर हम लोगों ने खाना खाया अच्छे तरीके से, मैं भी छोटा तैयब के लिए भी ले लिया क्योंकि वो घर पर हमारे बगैर बैठे हुए थे। तो अब जो है वो हम लोग जा रहे हैं, और मैं अब अपने ब्लॉग को इधर ही एंड करी क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ घर जाके। हम लोग इंस्टा पर पोस्ट लगाएंगे और सो जाएंगे। खैर मैंने अपनी मामा के साथ शॉपिंग की, हम लोगों का पहले हफ्ता था 20,000 का ग्रॉसरी होती थी, तब हमारे तब थी शहरिश ना, तो और इतनी महंगाई भी नहीं थी। अब महंगाई इतनी ज़्यादा, हम लोग तीन बंदे हैं खाने वाले और हम लोगों के 30,000 का मतलब राशन आया है। इतनी फालतू शॉपिंग हम लोगों ने नहीं की। मेरा ही अम्मी नहीं, मैं तो लेस वगैरह ही बस। अच्छा वो फालतू? हाँ जी वो अच्छा बस बस।
खैर अब इस व्लॉग का एंड करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी जो ग्रॉसरी शॉपिंग है अम्मी के साथ और मेरा अम्मी के साथ दिन गुजारना आपको अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। चल आप देखते हैं मेरे व्लॉग, मैं व्लॉग नहीं देखते आप यार, ये क्या बात है, ये तो बहुत गलत है। अब आप देखेंगे ना मेरा व्लॉग। गुड, वेरी गुड, बाय बाय।